गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू नाउ? दिस इज़ माय सिक्स्थ सेशन. ये बच्चों छठा पीरियड लेने जा रहा हूँ मैं. एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द टुडे सेशन? आज का ऑब्जेक्टिव क्या है? हमने पिछले सेशन में पढ़ा था एसोसिएटेड कोलाइड्स. अब उस एसोसिएटेड कोलाइड में हमने जस्ट टॉपिक पे आपको छोड़ा था, दैट वॉज द फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल. अब आज उससे स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ मिसाइल फॉर्मेशन के बारे में. वी विल स्टडी एंड देन वी विल लर्न फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड. कोलाइड का प्रिपरेशन कैसे होता है एंड उसके जो तीन डिफरेंट मेथड्स हैं, केमिकल मेथड, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिक्स आर्क मेथड और पेप्टाइजेशन, इन तीनों की चर्चा करेंगे. तो बच्चों हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन. उसके उसी में हमने उसके डिफरेंट टाइप्स क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था और अलग अलग मेथडोलॉजी से क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, तीन डिफरेंट बेसिस पे हमने पढ़ा था, जिसमें हमारा सबसे पहले मिसाइल फॉर्मेशन पे हम लास्ट जो टॉपिक था एसोसिएटेड कोलाइड वहाँ पे हम रुके थे. आज हम बात करेंगे मिसाइल की. तो सबसे पहले बच्चों मिसाइल क्या है? तो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स ऑफ एसोसिएटेड कोलाइड इज कॉल्ड मिसाइल. आपने देखा था या आप याद करो, जो आप सोप की क्लिनाइजिंग एक्शन पढ़ते हो उसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट की आप बात करते हो, आपको याद आ रहा होगा 10th क्लास में कि जैसे कि डर्ट पार्टिकल होता है और उसके चारों तरफ इस तरीके से ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है और ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, हेड पार्ट है. तो इस तरीके से जब हमारा एग्रीगेशन होता है तो हम इसको मिसाइल कहते हैं. इट क्लियर याद आ रहा है? तो एग्रीगेटेड पार्टिकल है किसका? एसोसिएटेड कोलाइड का, और उसको मिसाइल्स कहते हैं. कॉमन एग्जांपल आपका है सोप और डिटर्जेंट. अब दो इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पर बच्चों आएंगे. एक आपको टर्म आएगा क्राफ्ट टेम्परेचर और दूसरा आएगा आपको क्रिटिकल मिसाइल कंसेंट्रेशन CMC. इन दोनों टर्म्स को समझने की हम कोशिश करते हैं. सबसे पहले क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है? The formation of missiles take place only above a particular temperature called Kraft temperature. बच्चों अगर missiles का formation होता है तो एक particular temperature पर होगा, उसके below वो नहीं होगा. That temperature is called Kraft temperature. और critical missile concentration CMC क्या है? The formation of missile takes place only above a particular concentration. तो अगर एक particular temperature के above में अगर आपको मिसाइल फॉर्मेशन हो, देन इट इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर. और क्रिटिकल मिसाइल कंसेंट्रेशन मीन्स द फॉर्मेशन, द कंसेंट्रेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल्स. दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया? तो ये दो डिफरेंट टर्म्स यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट थे. इसको आप यहाँ देख सकते हो, जस्ट सी हियर बिलो क्रिटिकल मिसाइल कंसेंट्रेशन. आप देख लीजिए जो ये आपके पार्टिकल्स हैं वो मिसाइल फॉर्मेशन नहीं कर रहे. एट क्रिटिकल मिसाइल कंसेंट्रेशन उनका देख लो आप, मिसाइल फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना. और एबव अगर और कंसेंट्रेशन बढ़ा लीजिए तो यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ मिसाइल्स के फॉर्मेशन हुए, कुछ पार्टिकल ऐसे हैं, बट एबव CMC क्रिटिकल मिसाइल कंसेंट्रेशन आप देख लीजिए बहुत सारे मिसाइल्स का फॉर्मेशन हो चुका है, जिसको मैं इनसर्कल कर रहा हूं. क्लियर? ये सबको समझ में आ गया ना कि क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन क्या, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है, दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर. और ये जो वाइट वाइट करके आप देख रहे हो, दीज आर द एयर बबल्स, ये एयर के बबल्स हैं. ब्लू कलर में आपको वाटर है, एवरीथिंग इज सोन हियर. ओके, एक्चुअल मिसाइल्स ये है. और जो प्री मिसाइल जो आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज द प्री मिसाइल, यानी स्टार्टिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल. तो आपको समझ में आ गया क्राफ्ट टेम्परेचर और CMC क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन. यहाँ तक क्लियर है ना? अब बच्चों हम जरा बात कर लेते हैं सिंपल सा. एक सोडियम एस्टरेट है सोप हमारा. अब इस सोडियम एस्टरेट में आप जरा देखो, इसके दो पार्ट है. ऑब्वियसली इसका जो आयनिक टर्मिनल है, दिस पार्ट जो इज कॉल्ड आयनिक टर्मिनल, जिसको आयन सर्किल किया गया है, और बाकी है जो इसका टेल पार्ट है, ये आपको, दिस इज द टेल पार्ट, ये आपको ऑर्गेनिक चेन है, कार्बन का चेन है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट, इट इज़ नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द वाटर. हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स रिपेलिंग. तो जब आपको ये स्टरेट, सोडियम एस्टरेट जब आपको डिसोसिएटेड होता है तो उस समय, या वाटर में जब आप इसको डालोगे तो हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर की तरफ अट्रैक्टेड होगा,
अब इसको सिंपल वे में इस तरीके से दिखा दिया गया, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल, और ये उसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा और ये बाकी जो चेन है वो क्या होगा, इट गोज अवे फ्रॉम द वाटर मीडियम एंड इट इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द ग्रीस और डर्ट जो भी आपका रहता है उसकी तरफ। आप इसको और अच्छे से यहाँ समझ सकते हो, देखिए स्टीरेट आयन, सो यह सोडियम स्टीरेट आपका है, वाटर में जाने के बाद किस तरीके से वो मिसल्स का फॉर्मेशन करता है आप यहाँ देख सकते हो। ये जो आयनिक पार्ट है वो इधर हो गया, वाटर की तरफ हो गया, और जो बाकी जो टेल पार्ट है वो सेंटर की तरफ चला गया। अरेंजमेंट हो गई, आयन्स इनसाइड द बल्क ऑफ वाटर आयनिक मिसल्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये कैसे संभव हुआ, तो सोडियम एसिट्रेट डिसोसिएट हुआ पहले स्टीरेट आयन में और सोडियम आयन में, और ये एसिट्रेट आयन जो है इसमें जो हेड पार्ट है COO-, और इसके अलावा जो C17S35, ये जो इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट आपको हाइड्रोफोबिक था, ये चेन हो गया और ये जो आपको है COO- आयन, ये आपको हेड पार्ट था वो आपको अवे टुवर्ड्स द वाटर हो गया। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मिसल, और ये क्या है बच्चों, ये एक तरह से आपको कोलाइड हो गया, दैट इज द एसोसिएटेड कोलाइड। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है ना, ओके आगे बढ़े। तो जरा से इसको और हम समझ लेते हैं, जो सोप की क्लीनाइजिंग एक्शन है उसको समझने की बात करते हैं। मान लीजिए ग्रीस आपके कपड़े पे लगा हो तो क्या होगा, इसको जरा सा क्लीनाइजिंग एक्शन ऑफ सोप को हम समझने की कोशिश करें। और दीज आर थ्री पिक्चर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये पहला है कि आपके मान लीजिए कपड़े के ऊपर ये ग्रीसिंग है, ये ग्रीस लगा हुआ है, दिस इज ग्रीस। अब आपने जैसे ही सोडियम एसिट्रेट यूज़ किया, जो एसिट्रेट आयन है वो क्या करता है, इस तरीके से इसमें अरेंजमेंट होता है, ये आयनिक पार्ट आपको टुवर्ड्स द वाटर है, ये वाटर की तरफ है, और जो टेल पार्ट है ये अटैच्ड विथ ग्रीस, वो ग्रीस के साथ अटैच्ड हो गया। ये तो बहुत कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव स्टडीड अबाउट इट इन क्लास 10th ऑल्सो, कार्बोनेट्स कंपाउंड में पढ़ा है। और इस तरीके से पूरे के पूरे ग्रीस पे ये जो आपका हो गया, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मिसल। आगे बात समझ में, जब एजिटेट करोगे तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट ग्रीस को लेके बाहर निकल जाएगा। सोप इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहाँ तक मिसल फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया। तो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कोलाइड किया है, उसकी फिज प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने की कोशिश की, और उसका क्लासिफिकेशन हमने कर लिया, और उसमें हमने थोड़ा बहुत मिसल्स को एक्सप्लेन करके पढ़ा। वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। ये कोलाइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कोलाइड का जो फॉर्मेशन होता है एक्चुअली बच्चों, अगर आप सोचो कोलाइड फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब तो यही है ना कि अगर किसी डिस्पर्सन मीडियम जिसको आप सॉल्वेंट के इक्विवेलेंट मानते हो, उसमें जो सॉल्यूट है, द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल, और वी कैन सी दैट द साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज शुड बी इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर मीन्स 10^-9 मीटर टू 10^-7 मीटर, उस रेंज में होना चाहिए। तो इसके प्रिपरेशन के तीन मेथड है, देर आर थ्री डिफरेंट मेथड्स। द फर्स्ट वन इज केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड मीन्स व्हाट, इट मीन्स देर विल बी सम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, एंड यू नो दैट देर आर वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, डिकम्पोजिशन भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। तो बच्चों इस तरह से जो वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, डबल डिकम्पोजिशन होता है, उन्हीं का यूटिलाइजेशन करके हम यहाँ पर कोलाइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है ऑक्सीडेशन मेथड। आप इस मेथड का यूज़ किसके लिए कर सकते हो, कोलाइड ऑफ सल्फर के ऑप्टेन करने के लिए। अब देख लो यहाँ पर बहुत सिंपल सा है, H2S प्लस यहाँ पर आप O2 लिख लो, O2, और आपने इसके साथ ऑक्सीडेशन करा दिया। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, आपको यहाँ पर H2O कर लो। इस रिएक्शन को जरा आप देखिए, तो यहाँ पर एनी अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई और है, यहाँ पर डायरेक्ट हम ऑक्सीजन से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड था, और यहाँ पर आपको देखो सल्फर अलग हो गया, तो सल्फर के दो एटम्स जो है कंबाइंड कर गए, तो इस तरह से सल्फर का जो साइज़ होगा वो बड़ा हो जाएगा और वो कोलाइड का फॉर्मेशन कर सकता है। नाउ रिडक्शन मेथड से अगर आप देखना चाहो, तो इस मेथड का यूज़ करते हैं हम लोग गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम मेटल्स को ऑब्टेन करने के लिए। और इसमें हम क्या करते हैं,
गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम के जो सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं उसको रिड्यूस करते हैं, उसका रिडक्शन करते हैं। और रिडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट। एंड दैट रिड्यूसिंग एजेंट विच आर यूज्ड वो क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, फिनाइल हाइड्राजीन है, हाइड्रोजन है, परऑक्साइड है, एस्टेनस क्लोराइड, इट शुड बी एस्टेनस क्लोराइड। इनमें से किसी भी एक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करके हम इन सारे गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम इनके हम कोलाइड्स बना सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल जो रिएक्शन दिया है, या फिर सिल्वर का गोल्ड सॉरी गोल्ड का दिया है AuCl3। अब स्टेनस क्लोराइड जो कि हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ में आएगा, वो स्टेनस क्लोराइड बना लेगा SnCl4, यानी ऑक्सीडेशन स्टेटस यहाँ पे आप बढ़ जाएगा और यहाँ पे गोल्ड का सोल आपको मिलेगा। इज इट क्लियर? अब जो गोल्ड का सोल आपको मिला, इसको और दूसरे मेथड से बनाना हो तो सेम आप सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, फॉर्मल्डिहाइड के यूज़ करो, हाइड्रोजन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तब भी आपको गोल्ड का सोल मिलेगा। तो ये रिडक्शन मेथड हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो पॉइंट यहाँ पर नीचे में मेंशन किया, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जो गोल्ड सोल आपको मिलता है बाय दिस मेथड, इसके पास पर्पल कलर आ जाती है रिडक्शन मेथड से जब आप गोल्ड का सोल बनाते हो। अब नाउ द टर्म सोल इज़ यूज्ड, यू नो दैट व्हाई इट इज सोल्ड, बिकॉज द सॉलिड सब्सटेंस इन द लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम, दैट इज कॉल्ड सोल। बच्चों कोलाइड को ही सोल बोलते हैं, इस बात को ध्यान से समझना। सोल क्या है? सोल इज ए टाइप ऑफ कोलाइड, जो पहला क्लासिफिकेशन था उसमें हमने बताया था, समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए सोल SOL, SO फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, सॉलिड डिस्पर्स्ड विद लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम, क्लियर? तो यहाँ पर जो गोल्ड सोल बनता है, एक्चुअली इट हैज़ अ पर्पल कलर, और उसको हम पर्पल ऑफ कैसियस के नाम से जानते हैं। तो क्या पर्पल ऑफ कैसियस इज द गोल्ड सोल, थोड़ा इसको आप याद रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कराना है आपको, वाटर हाइड्रोलिसिस मीन्स क्या, रिएक्शन विथ वाटर। जैसे एग्जाम्पल ले लो फेरिक क्लोराइड, अगर आपके पास है फेरिक क्लोराइड से आप क्या बना सकते हो, फेरिक हाइड्रोक्साइड एक कोलाइडल सोल बना सकते हो, ठीक है ना? यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल्स अगर आपको बनाने हैं तो इसके लिए आप क्या करोगे, जिस मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाने से, आपको आयरन का हाइड्रोक्साइड लेना है तो आप आयरन के क्लोराइड को ले लीजिए, अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है तो एल्यूमिनियम का क्लोराइड लेते हैं और उसको हम बॉइलिंग करते हैं, हीट करते हैं बॉइलिंग विथ वाटर, देन वी विल गेट कोलाइडल सोल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटालिक हाइड्रोक्साइड। इज इट क्लियर? तो चौथा केमिकल मेथड है बाय डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन जरा देख लो, ये डबल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, तो इस डबल डिकम्पोजिशन में आप देख लो, एक्चुअली में डबल डिकम्पोजिशन मेनी टाइम यू कैन से दैट डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल में डबल डिकम्पोजिशन क्या है, केमिकल रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स इन विच पार्ट्स ऑफ ईच आर इंटरचेंज। अब यहाँ पे देख लो AH2O3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड H2SO, अब इनके पार्ट्स एक्सचेंज कर जाएंगे, यानी कि सल्फर यहाँ चला आएगा और ऑक्सीजन यहाँ चला गया, तो क्या बन जाएगा, AH2S3 का आपको सोल बन गया, आर्सेनिक सल्फाइड का सोल बन गया और वाटर मॉलिक्यूल बन गया। इज इट क्लियर? तो अपने कितने मेथड्स पढ़े, आपने ऑक्सीडेशन मेथड से पढ़ा, रिडक्शन मेथड से पढ़ा, रिडक्शन मेथड्स में गोल्ड सोल के बारे में पढ़ा, हाइड्रोलिसिस मेथड से आपने फेरिक हाइड्रोक्साइड के सोल के बारे में पढ़ा, और डबल डिकम्पोजिशन में भी आपने आर्सेनिक सल्फाइड के सोल के बारे में पढ़ा। इज इट क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट मेथड विच यूज इज द इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन और ब्रेडिक्स आर्क मेथड। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड, और यहाँ पर जो आपको ब्रेडिक्स आर्क मेथड की बात की जा रही है, इसको समझने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कुछ टर्म ऐसे हैं इस चैप्टर में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ब्रेडिक्स कौन थे बच्चों, जॉर्ज ब्रेडिग उनका नाम था। एक ये थे आपके जर्मन फिजिकल केमिस्ट थे, जर्मन फिजिकल केमिस्ट यानी फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड थे, और नियर अबाउट 1868 से 1944 के बीच में इनका टाइम पीरियड रहा है, और इन्होंने कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्मेशन के इस मेथड के बारे में बताया। और यहाँ पर क्या है, बाय इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन, यहाँ पर हम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और डिस्पर्स करेंगे, ठीक है ना? तो इस मेथड में एक्चुअली डिस्पर्शन भी होगा और कंडेंसेशन भी होगा।
अब कैसे होता है जरा देखो, जहाँ से समझो और इस मेथड के यूज़ कहाँ करते हैं, मैं पॉइंट वाइज आपको समझाता हूँ। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयर सोल्स ऑफ प्लैटिनम, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड। अब ये समझ लो जो बहुत लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, प्लैटिनम, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड, उनके सोल के, उनके कोलाइड्स के फॉर्मेशन में इस मेथड का यूज़ होता है, ठीक है ना। अब जिस मेटल का आपको, चाहे प्लैटिनम का बनाना हो, सिल्वर का, जिस मेटल का आपको सोल बनाना है, उसको हम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स के रूप में यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड्स है आपका, मेटल इलेक्ट्रोड्स, एरो मार्क किया गया है ना, दीज टू मेटल इलेक्ट्रोड्स। मान लो ये गोल्ड का है, अगर आपको गोल्ड का सोल बनाना है तो गोल्ड का इलेक्ट्रोड्स, और इसको कहाँ रखेंगे, एक चैम्बर में जिसमें वाटर है, और वाटर के बाहर बच्चों ये क्या है, आइस है, ध्यान से समझना इस बात को। तो जिस मेटल का आपको सोल बनाना है, तो आप सोल का, उस मेटल का इलेक्ट्रोड लेंगे और उसको आप कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए सेल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। और वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड आ जाएंगे कहाँ पर आ जाएंगे, वाटर मीडियम में। नाउ दीज आर फॉर्मिंग जस्ट लाइक एन आर्क, एक आर्क फॉर्मेशन हो रहा है कि ना, ऐसे फॉर्मेशन हो रहा है, एक आर्क का फॉर्मेशन होता है, क्लियर। तो एन आर्क इज स्ट्रक बिटवीन इलेक्ट्रोड्स अंडर द सर्फेस ऑफ वाटर। अब इसमें हम एक स्टेबलाइजिंग एजेंट भी डाल देते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज यहाँ पर स्टेबलाइजिंग एजेंट के रूप में होता है। अब होती है क्या कि हम करेंगे क्या, हमने तो इलेक्ट्रोड ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए वायर से कनेक्शन भी कर लिया, तो अब होता क्या, व्हेन इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, जब आप इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक करते हो, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर देते हो, तो उस समय क्या होता है, जो इंटेंस हीट ऑफ आर्क होता है, बहुत ज़्यादा जो हीट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, विपराइजेस सम ऑफ द मेटल्स, जो इलेक्ट्रोड आपने किसका बनाया, मेटल का बनाया है, उसको विपराइज कर देता है। जब वो विपराइज होगा तो बच्चों बाहर में क्या आपने यूज़ किया है, आपने यूज़ किया आइस। अब आइस क्या करेगा, उसको कंडेंस करेगा। तो वेपराइज जब हो जाता है मेटल ड्यू टू द इंटेंस हीट, एक्सेसिव हीट, देन इट इज़ कंडेंस्ड अंडर कोल्ड वाटर बाई आइस, और उसके बाद जो वो पार्टिकल जो वेपराइज होकर कंडेंस्ड होता है, वो कोलाइडल पार्टिकल का शेप ले लेता है, उसका साइज ले लेता है। और अगर उसको स्टेबलाइज करना है, तो वी एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजिंग एजेंट विच इज हियर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गया, सबको क्लियर है। तो बच्चों एक बार फिर से बता देता हूँ, ब्रेडिक्स आर्क मेथड, एक्चुअल इस मेथड में प्लैटिनम, सिल्वर और कॉपर और गोल्ड, जो भी मेटल आपको जिसका कोलाइड बनाना है, उस मेटल को ही एज अ इलेक्ट्रोड आप लेंगे, ठीक है, और उसको किसी इमर्ज कर देंगे डिस्पर्सन मीडियम में, जैसे वाटर में। अब उसके बाद इस डिस्पर्सन मीडियम को बाहर की तरफ आइस से हम कूल करके रखेंगे, ठंडा करके रखेंगे, क्योंकि जैसे हम इलेक्ट्रिक स्ट्रक करेंगे इस आर्क में, उस समय जो मेटल यहाँ से वेपराइज होगा, उस मेटल को वेपराइज होने के बाद इमीडिएट कंडेंस किया जाएगा थ्रू आइस, और उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम बाहर से क्या करेंगे, कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट डाल देंगे, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना। तो दूसरा मेथड था आपको इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन और ब्रेडिक्स आर्क मेथड। नाउ यहाँ देख सकते हैं आप, ये आर्क है ना आपका, इलेक्ट्रिसिटी मेटल इलेक्ट्रोड्स हो गया, तो इस मेटल इलेक्ट्रोड से यहाँ पे आप स्ट्रक करते हो इलेक्ट्रिसिटी का, इसके कारण हमारा मेटल जो यहाँ से वेपराइज होता है, इट क्लियर। और वाटर के साथ साथ KOH हमारा स्टेबलाइजिंग एजेंट इसमें लगा हुआ है, ओके। नाउ नेक्स्ट मेथड इज द पेप्टाइजेशन मेथड, एंड इट इज द लास्ट मेथड फॉर टुडे सेशन। तो पेप्टाइजेशन क्या होता है बच्चों, पेप्टाइजेशन मेथड इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन। कोई अगर आपने प्रेसिपिटेट बनाया और वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, बहुत तुरंत ही बनाया है, तो उसमें एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालिए और उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए कोलाइड के रूप में, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट है, वो तो नीचे जाके बॉटम में कंटेनर का बैठ चुका है। अब आपको उसको चाहते हो कि वो कोलाइडल पार्टिकल का साइज ले ले, कोलाइडल पार्टिकल के रूप में बने, तो उसमें आप सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालिए और उसके बाद वो कोलाइड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रेसिपिटेट को कोलाइड बनाना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन।
ठीक है ना। और इसके लिए जो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करोगे फॉर दिस पर्पज, उसको हम लोग कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट और स्टेबलाइजिंग एजेंट। जैसे आपने अभी ब्रेडर्स आर्क मेथड में QOH को देखा, दैट वाज द स्टेबलाइजिंग एजेंट। तो पेप्टाइजेशन क्यों होता है, वाई पेप्टाइजेशन टेक प्लेस? तो बच्चों होता क्या है कि जो आप इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करते हो, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के जो आयंस होते हैं, दोज आयंस आर एड्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ प्रेसिपिटेट। जो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स हैं, उसके पार्टिकल्स इलेक्ट्रोलाइट के आयंस को क्या करते हैं, एड्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर? जैसे मान लो आपने फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनाया, उसको कोलाइडल स्टेट में अगर करना है तो उसको आप क्या करोगे, सेक करोगे किसके साथ, आयरन के किसी सॉल्ट के साथ, जैसे FeCl3 के साथ, या हाइड्रोक्साइड, चूँकि हाइड्रोक्साइड आयन में, तो किसी और दूसरे हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ करोगे तो आपको वो कन्वर्ट हो जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन के रूप में। इसको इस तरीके से आप समझने की कोशिश करो। सपोज करो प्रेसिपिटेट किसका है, FeOH3 का, FeCl3 के साथ सेक किया, तो फाइनली क्या होगा, इस FeOH3 के साथ Fe, यहाँ से आयरन के जो आयन्स है वो यहाँ पर आके उसके साथ अटैच हो जाएंगे और कोलाइडल सोल बन जाएगा। यानी कोलाइडल सोल मीन्स साइज, पार्टिकल की साइज जो होगी वो कोलाइडल रेंज में आ जाएगी, कोलाइड आयन बाहर हो जाएगा। इसको आप पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करो बच्चों। ये देखो FeOH3 यहाँ पे क्या है, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में है, डिस्पर्सन मीडियम हमारा वाटर है। अब आपने एडिशन किसका किया, FeCl3 का, विग्रसली इसको सेक किया। जब आपने सेकिंग की तो देखो क्या हुआ, FeCl3 यहाँ पर डॉट, ग्रीन ग्रीन डॉट्स आप देख रहे हो, ये FeCl3 है। यहाँ पे आप देख रहे हो जो पिंक कलर का है वो FeOH3 है। अब सेकिंग करने से क्या हो गया, ये जो पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल्स किधर आ गए, बीच में आ गए, और इनके साथ धीरे 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 क्या हुआ कि FeOH3 के जो आपको पार्टिकल्स थे उनके सरफेस पर किसका एड्जॉर्प्शन शुरू हो गया, Fe3+ आयन का, ये एड्जॉर्ब हो गया। सरफेस फिनोमेनन है बच्चों, कॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं कि कंबाइन करे, बट इट एड्जॉर्ब, Fe3+ आयन इज एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ FeOH3 पार्टिकल एंड गिव्स अ कोलाइडल सोल। और ये कोलाइडल सोल चूंकि किसको एड्जॉर्ब कर रहा है, Fe3+ आयन को, इसलिए कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज्ड कोलाइड होगा। आगे बात समझ लें, दिस इज द पेप्टाइजेशन मेथड, जहाँ एक प्रेसिपिटेट को सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करके हम कन्वर्ट करते हैं कोलाइड्स के रूप में। तो देर आर थ्री मेथड्स, बाय केमिकल मेथड, ब्रेडिक्स आर्क मेथड, एंड द थर्ड वन इज द पेप्टाइजेशन मेथड। इसको पढ़ के अच्छे से समझ के रखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ देर आर सम क्वेश्चंस, व्हाट आर मिसल्स, आप अच्छे से आपने पढ़ लिया है, और व्हाट आर वेरियस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, एक्सप्लेन क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, पेप्टाइजेशन क्या है ये आपको बताना है। दीज आर द फोर सिंपल क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व इट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर लर्निंग अबाउट द कोलाइड्स, एंड अप टू नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स इन वेरियस मेथड। इसमें आपने लायोफिलिक, लायोफोबिक सोल के बारे में पढ़ा था, आपने मैक्रोमोलिकुलर और मल्टी मोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलाइड्स के बारे में पढ़ा था, और आज तीन मेथड पढ़ा, प्रिपरेशन मेथड, बाय केमिकल मेथड, बाय ब्रेडिक्स आर्क मेथड एंड पेप्टाइजेशन मेथड। इन सबको पढ़ते चलिए, क्योंकि आने वाले हमारे जो भी तीन सेशन होंगे, आज हमारा ये सिक्स सेशन है, एंड ऑलमोस्ट आई थिंक दैट देयर विल बी थ्री मोर सेशन टू कम्प्लीट दिस चैप्टर। माई डियर स्टूडेंट्स, वेरी स्लोली आई एम टीचिंग ऑल ऑफ यू, ओनली 25 से 30 मिनट से पहले ही मैं कम्प्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोग ध्यान से सब पढ़िए, इसको ज़रूर काम करिए। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं, अटेंडिंग द क्लास ऑल्सो। सो आई एम वेरी हैप्पी विथ योर एफर्ट्स, एंड आई थिंक दैट यू आर ऑल्सो गेटिंग ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर्स, एंड द सिलेबस इज बींग कम्प्लीटेड। तो बहुत अच्छा टाइमिंग है, और हम लोग बहुत अच्छे से काम करें तो हमारा सिलेबस भी बच्चों कंप्लीट होता चला जाएगा। सो होपिंग फॉर द बेस्ट, एंड जो बच्चे अभी नहीं अटेंड कर रहे क्लास, प्लीज़ अगर वो भी, उन तक आप पैसेज पहुंचाइए अटेंडेंस डेट के अकॉर्डिंगली, कि वो भी क्लास को अटेंड करें। ओके, सो ऑल अबाउट द टुडे सेशन, वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट सेशन। अब हम कोलाइडल सॉल्यूशन के प्योरिफिकेशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक्स, thanks for watching my videos, log into my blog, and every video is uploaded there and updated there.